बुधवार को सुबह से ही नया काम भी पुलिस रनाला ग्राम पंचायत अंतर्गत पीएनटी कॉलोनी छावनी में तब्दील हो गई, क्योंकि यहां ग्राम संरक्षण दल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व कामठी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष माया चवरे के नेतृत्व में महिलाएं रनाला स्थित हवेली बार को बंद करने की मांग करते हुए सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को मंगलवार को दोपहर महिला दिवस कार्यक्रम उपरांत धरना देकर नारेबाजी कर रहे थे। उनके आत्मदाह के प्रयास को विफल करने के लिए नया कामठी पुलिस थाना के पुलिस फोर्स के साथ मुस्तैद थे। साथ ही किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए वज्रवाहन वाहन और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी। पुलिस के अधिकारी व जवान आंदोलनकारी महिलाओं की हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। शाम होते हुए पुलिस तथा राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारी ने बीच में मध्यस्थी कर आंदोलन को शांत किया तथा इस संदर्भ में जल्द से जल्द निर्णय लेने की बात कही। आम्ही सुरुवातीपासून हवेली बिअर बार हा बंद व्हायला पाहिजे याकरिता सगळ्या प्रोसिजर करून दिल्या, ग्रामपंचायतचा ठराव पास करून दिला, त्याच्यानंतर आम्ही ग्रामसभा घेऊन दिली, त्याच्यानंतर आंदोलनं बरेच झाले। हे झाल्यानंतरही इतकी परिस्थितीचा आढावा घेऊन कलेक्टर मॅडमनी तो त्यांच्या अधिकाराअंतर्गत त्यांनी बंद केला। बंद केल्यानंतर परत यांनी मुंबईच्या कमिशनरकडे जाऊन तो ठराव म्हणजे दुकानाचं उघडण्याचं परमिशन त्यांनी घेऊन आलं। परमिशन त्याला म्हणता येत नाही। त्याने एकदम मोघममध्ये पत्र पाठवलेलं आहे। एका बाजूने आम्हाला बोलवलं तुमची तारीख आहे म्हणून, दुसऱ्या बाजूने त्याला सुरू करायला सांगितलं, पण असं त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असं कुठंच नाही आहे। समजत नाही की तो काय प्रकार आहे। माझं म्हणणं हेच होतं शासनाला की जेव्हा आम्ही सांगितलं ठीक आहे तुम्ही गेले तिथपर्यंत, आम्ही जेव्हा म्हणत आहोत ग्राम संरक्षण दलाचं महिला मंडळ की तुम्हाला आम्हाला सुद्धा आमची बाजू मांडण्याचा अधिकार द्या, आणि जेव्हा तुमचा जो निर्णय असेल, तुम्ही निर्णय अधिकारी आहे, तुमचा जो निर्णय असेल आम्हाला मान्य राहील, पण आमचं ऐकून घेतल्याशिवाय तुम्ही कुठलाच निर्णय घेऊ नका। परंतु त्यांनी असं न करता त्यांनी त्याला परमिशन दिली आणि आम्हाला एका बाजूनं तारखेला बोलवलं। आता आमचं हेच म्हणणं आहे की जेव्हापर्यंत ही तारीख होईल तेव्हापर्यंत हा बार बंद ठेवा। की बार बार उसको आवाज दू गार्ड को की तू बेटा सरका ये कर, और बच्चे जवान, आज के बच्चे जवान खून है। अगर बच्चों ने लड़ लिए, कभी मार दिए, पीट लिए, झगड़ा हो गया तो कौन जिम्मेदारी? आप पुलिस वालों ने लेते हैं ये जिम्मेदारी? या अगर बच्चे लोग कुछ करते हैं तो आप लोग उठाते हैं जिम्मेदारी? हमेशा मैं तो रहती हूँ घर के अंदर, बच्चे बाहर किससे लड़ रहे क्या पता चलेगा? तो ये गलत है ना। बाजू में तुम मेरे घर के बाजू में पार्किंग करके रख आते हैं जाते हैं, वो ये बार समझ के इधर इधर घुसने के बजाय उधर घुस जाते हैं, बोतलें फेंकते हैं, लैट्रिन में बैठते हैं, ये रास्ते में घूमने जाते हैं लोग तो। हाँ, इतनी और गाड़ियाँ कई बार जो लगा तो वहाँ तक के पार्किंग रहती है गाड़ी की। पीछे में गार्डन है, पीछे में छोटे छोटे बच्चे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बोतल वहीं पर फेंकते हैं। और इतनी मांग क्या है? ये बार बंद होना चाहिए, मांग यही है हमारी सब औरतों की।